क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। अपने हाथ आप रेस कर लीजिए, तो हैंड रेस कर देंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। किसी के कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? हाँ जी, यश जी चोपड़ा, ठीक है। यश जी हम आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो अगर आप क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो एक बार वापस आप हैंड रेस कर लीजिए। परेश जी शाह बोल रहे हैं ओम का नाद भी रोज कराइए। ठीक है साहब, जरूर एक दिन हम ध्यान में ओम का ओम मेडिटेशन करने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ ट्राई करेंगे। इसके अलावा किसी को कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन, कोई जिज्ञासा, कोई कुछ और कुछ ऐड करना चाहता है तो वो कर सकते आज के सेशन में, या और कोई भी आपके नॉर्मल भी कुछ आपको कोई जिज्ञासा है तो वो भी पूछ सकते हैं। आज से सेशन से रिलेटेड नहीं हो तो भी चलेगा, ध्यान रिलेटेड कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो वो भी पूछ सकते। निकिता जी बम का आया हुआ है कि क्या फीमेल फॉर्म में मोक्ष प्राप्त हुआ है? हाँ बिल्कुल, मल्लीनाथ भगवान को फीमेल में ही मोक्ष प्राप्त हुआ है। मरुदेवी माता का भी हम एग्जांपल लेते हैं तो वो भी फीमेल पर्याय में ही उनको मोक्ष हुआ है। तो जगह जगह उदाहरण आते हैं। यस, एनलाइटनमेंट एंड सेल्वेशन कैन बी अटेन्ड थ्रू दी फीमेल पर्याय ऑल्सो। सो निकिता जी आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। आप अनम्यूट हुए हुए हो तो अगर आपको कुछ बोलना है तो निकिता जी बोल सकते हो, और कुछ पूछना हो तो निकिता बम। हाँ हाँ रश्मि जी आप बोल सकते हैं। हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मल्लीनाथ भगवान ने माया करी तो उसकी वजह से उनको स्त्री पर्याय मिली, तो इज दिस अ बैड थिंग टू बी अ वुमन, मतलब माया करने का उनको ऐसा परिणाम मिला कि वो स्त्री बन गए, तो ये कोई खराब बात थोड़ी है? I mean, हाँ नहीं खराब तो नहीं है, पर पाप किया, मतलब ये तो बता रहे हैं कि ये अगर आप पाप करते हो, अगर आप माया करते हो तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा, बस इतना ही बता रहे हैं। वैसे कुछ पाप तो कोई भी होगा तो गलत ही है, अगर माया कर रहे हैं तो गलत ही है ना। नहीं माया करना, ऑफ कोर्स माया करना इज गलत, आई एग्री, बट माया करने की वजह से माया करने का ये कोई दुष्परिणाम है क्या, मतलब स्त्री बनना? That's what I'm trying to ask. नहीं, जैसे माया करने से तिर्यंश भी बनते हैं, ये भी हमने पढ़ा था पहले। अगर आपको माया करने से, हाँ माया करने तिर्यंश आयु बनने के कारण में है गुड माया करना, बट हाँ वो मेरे को थोड़ा लग... नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें जो आश्चर्य की बात आती है ना कि तीर्थंकर हमेशा पुरुष होते हैं ऐसा बताते, तो मल्लीनाथ भगवान जो स्त्री बन गए तो इसलिए उनका स्पेसिफिकली हम बताते हैं कि भाई इनने पूर्व जन्म में माया कर दी जिसकी वजह से उनको स्त्री बनना। हाँ रश्मि जी, आप जो पूछ रहे हो माया का कि स्त्री बनते हैं तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है, क्यों बनते हैं वो? सो बेसिकली आप देखोगे कि जो साधना होती है उसके लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं, अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ना है तो बहुत चैलेंजेस होते हैं, और वो शायद एक फीमेल नहीं कर पाती चैलेंजेस को फेस, तो इसलिए मेल जो है वो इजीली चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं, तो उनका बहुत फिजिकल, उनकी जो फिजिकल पर्सनालिटी होती है वो सब एक सुपीरियर होती है बिकॉज दे हैव मोर स्ट्रेंथ फिजिकली, उनके लिए कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, एंड तो ये एक डिसएडवांटेज है फीमेल्स के लिए, दिस इज द ओनली थिंग, मतलब ये इसलिए थोड़ा सा इंफीरियर वाली चीज और सुपीरियर वाली चीज भी है,
क्योंकि दे आर फ्री मोर एंड उनकी फिजिकल एबिलिटी ज्यादा बेटर, ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो इससे थोड़ा एडेड एडवांटेज है. अंदर से तो सब सेम है, आत्मा सबकी सेम है, इनर स्ट्रेंथ पूरी सेम है, ओनली द फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर्स. तो साधना के लिए दैट इज मोर. इसलिए इसलिए जो तीर्थंकर जो हुए हैं उसमें से सिर्फ एक ही फीमेल हुए हैं और मेजर 23 तीर्थंकर सारे मेल्स हुए, क्योंकि उनका जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर रहता है. वो साधारण रहता है, पर ऐसे हम अगर देखते हैं तो फिजिकली वुमेन्स आर मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप देखते हैं कि जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा रहता है तो जितना जितनी सहनशीलता, जितनी सहन शक्ति एक महिला में होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, वो महिला में कई गुना पुरुषों से ज्यादा होती है. बट अगेन क्योंकि शील्ड की सुरक्षा की बात आ जाती है, तो उस परस्पेक्टिव से साधना में क्या बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं. साधना की दृष्टि से देखते हैं तो पुरुष को एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि ही इज फ्री फॉर हिज साधना, बट फॉर अ स्त्री उनको एक सुरक्षा लेके चलनी पड़ती है. तो इसलिए हमारे में क्यों आचार्य भी होते हैं वो स्त्री नहीं बनते, बस इसी कारण से बनते हैं, नहीं बनते हैं. क्यों नहीं बनते? ऐसा कुछ नहीं कि वो लोग आचार्य के योग्य नहीं है, 100% है. ऐसे बहुत सारी साध्वियां होगी जो जो अभी वर्तमान में आचार्य होंगे उनसे बहुत अच्छी होगी, साधना में भी बहुत आगे होगी, ऐसा बहुत पॉसिबल है. एंड हम नमो आर्यनम बोल रहे हैं तो हम नमो आर्यनम में वो जो अगर भावों से आचार्य के गुण आ गए तो हम उनको नमस्कार भी कर रहे हैं, वो भावों से आचार्य में आ चुके हैं, बट फिर भी द्रव्य से उनको आचार्य की पदवी क्यों नहीं दी जा रही है? जस्ट अगेन द पॉइंट ओवर इज सुरक्षा ऑफ द शील्ड. क्योंकि आप देखेंगे आचार्य को कितनी भीड़ आती है, कितने लोग आते होंगे दर्शन के लिए, एंड अगेन उनको बहुत सारे मंत्र तंत्र करके सिद्ध करने पड़ते हैं आचार्य को. अब वो बहुत सारे टाइम क्या होता है, अस्वाध्याय का काल होता है स्त्रियों का, तो वो टाइम ऐसी कोई रिद्धि सिद्धि है कि वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा कोई जाप नहीं कर पाते हैं, बस इसी कारण से उनको द्रव्य रूप में हम उनको आचार्य की पदवी नहीं देते. दैट इज द ओनली रीजन. बाकी हमारे धर्म में तो कहीं भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ. द पॉइंट ओवर इज ओनली ऑन द शील्ड सुरक्षा. भगवान ने हर पर्सपेक्टिव में बस उसको प्रधान रखा है, द प्राइमरी फोकस उसको रखा है. ठीक है, एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स पे, सेम क्वेश्चन ही था वो, व्हाई वुमेन साध्वीज कांट बी साध्वीज. सो साध्वी तो बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, साध्वी बनते हैं वुमेन साध्वी. एंड व्हाई जैनिज्म इज पुरुष प्रधान धर्म. बिल्कुल भी नहीं. अगर आपने राहुल जी आज हमारा सेशन सुना हो, अगर राहुल जी को आप अनम्यूट कर सकते हैं तो कर दीजिए. राहुल जी अगर आज हमने पूरा सेशन अगर आपने सुना हो तो हमने तो यही बताया है कि इनफैक्ट मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा फीमेल प्रधान धर्म है. हमने कहीं ना कहीं फीमेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया हुआ है. हर जगह भगवान ने ज्यादा प्रेफरेंसेस स्त्री को दी हुई है पुरुषों से ज्यादा. बीट साध्वी ऑल्सो, बीट श्राविका ऑल्सो, बीट एनीवन. और इनफैक्ट हम तो फर्स्ट तीर्थंकर से बता रहे हैं, मरु देवी माता गई, फिर मल्लीनाथ भगवान को भी तीर्थंकर बताया, आगे चंदन बाला का वर्णन आता है. ऐसे जगह जगह पे स्त्रियों का उदाहरण हमारे शास्त्रों में. हाँ जी, पर जैसे कई जगह प्रवचन में मतलब सुनने को मिलता है कि मतलब जैन धर्म जो है पुरुष प्रधान है, इसलिए साध्वी मतलब नहीं बनते आचार्य. कौन नहीं बनते? आचार्य साध्वी नहीं बनते. अच्छा, आचार्य वो तो अभी मैंने आपको आंसर, अभी रश्मि जी को भी मैंने आंसर कर दिया कि आचार्य इसलिए नहीं बनते हैं. उसमें कोई अगेन उनकी क्वालिटीज पे कोई है शंका, वो नहीं है. अभी आपने आंसर सुना मैंने जो बोला था? हाँ जी. हाँ, तो मैंने आपको आचार्य नहीं बनने का आंसर बता ही दिया. अगेन इट इज जस्ट फॉर शील की सुरक्षा. उनकी क्वालिटीज में कहीं भी डाउट नहीं है कि दे आर नॉट केपेबल इनफ फॉर बीइंग आचार्य, ऐसा कहीं भी नहीं. द ओनली पॉइंट इज क्योंकि आचार्य, कोई भी आप आचार्य के पास जाएंगे तो कितनी भीड़ आती है उनके पास. जैसे तो, कई जगह मतलब जैसे तपागत मतलब साध्वी जी होते हैं ना, तो बंधन करने गया था मैं, पर वो क्या बोलते हैं कि आप हमें बंधन नहीं करना, श्रावक हो ना. मैंने पूछा उनको कि क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने बताया कि पुरुष प्रधान धर्म है इसलिए ना श्रावक हमको बंधन नहीं करना. अच्छा. और एक बताया कि पुरुष का परिचय भी हो सकता है, इसलिए आप उपाश्रय में आओगे, बंधन करोगे, हम बातें करने बैठे तो आप नहीं कर सकते उपाश्रय में. मतलब आप उपाश्रय में नहीं आ सकते साध्वी जी के, जो पुरुष होते ना, ऐसे बताया. मतलब परिचय बढ़ेगा इससे पुरुष का, ऐसे बताया. तो अगेन वहां पे सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं. आप देखेंगे कि जो संत होते हैं वो कभी भी साध्वी के पास नहीं जाएंगे. साध्वी आना चाहिए संत के पास, तो ही साध्वी जाएगी. आप समझे, मतलब ये एक सिस्टम भगवान, मतलब हमारी परंपरा में तो हमने देखा है कि संत डायरेक्टली सतियों के, जहाँ सतियां रह रही है
वहां पे संत विचर के वहां नहीं जाएंगे उनके पास। अगर जैसे कि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, मतलब उसमें क्या लिखा था, कोई भी मतलब कौन सा शास्त्र याद नहीं, बट लिखा है कि साध्वी जी साधु के उपाश्रय में प्रवचन के अलावा भी नहीं आ सकती, तो श्राविका भी नहीं आ सकते, ऐसा लिखा था। ऐसा मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन परंपरा हाँ। हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग प्रोटोकॉल्स हो, अलग अलग समाचारी हो डिफरेंट संप्रदाय में, तो ये जनरल नहीं है, ये उस पर्टिकुलर सेक्ट में हो रहा है तो अलग बात। उनके क्या विजन है, किस विजन से वो बोल रहे हैं, क्या उनके कुछ होगा पहले कुछ इंसिडेंट्स हुआ होगा इसकी वजह से ये प्रोटोकॉल बना है, तो हो सकता है इसकी कुछ पीछे बैक स्टोरी हो, बट जनरली तो ऐसा एकांत में हम उसको नहीं बोल सकते कि ऐसा ही प्रोटोकॉल होना चाहिए कि एक स्त्री या एक श्राविका संत के पास नहीं जानी चाहिए। कोई कोई परंपरा में शायद ऐसा किया हुआ भी होगा, हम उसको मना नहीं कर सकते, बट बिल्कुल राइट है कि बिल्कुल रॉन्ग है वो हम नहीं कह सकते। डिपेंड्स ऑन दैट आचार्य, जो संघ का जो प्रधान है वो आचार्य है, वो ये निर्णय लेता है कि उनको क्या उसका सिस्टम रखना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। बट कहीं भी कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी पंथ हो जैन धर्म का, उसमें कहीं भी फीमेल को अगर नीचे रखा हो ऐसी बात नहीं है, गुणों के माध्यम में वो बहुत ऊपर ही उनको माना है, उच्च ही माना है। और साध्वी जी से प्रायश्चित ले सकते हैं क्या, मेरा क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। जैसे कई जगह साध्वी जी बताते हैं कि हम गीता मतलब गुरु के पास ही जाना चाहिए, और हम मतलब निश्चित सूत्र आदि नहीं पढ़ते, तो आप साधु के पास ही लेना हो सके तो। कोई परंपरा में, अब उनकी वही मैं बोल रहा हूँ अगेन, उनके सिस्टम्स अलग होते हैं, हर संप्रदाय के अपने अपने सिस्टम्स होते हैं। तो अगर ऐसा जनरली देखते हैं, कोई अगर स्थविर मुनि है, स्थविर मतलब 20 साल के ऊपर अगर उनकी आयु हो जाते हैं और बड़े ज्ञानी होते हैं वो साध्वी भी, तो वो भी प्रायश्चित दे सकते हैं। बट हाँ कोई विशेष अगर कोई मेजर थिंग हो जाती है, मेजर कोई प्रायश्चित लेना है, तो उसके लिए के पास ही जाता है, वो नॉर्मल साधु भी नहीं दे पाते। प्रायश्चित लेने के लिए कोई स्पेशल क्वालिटी होनी या स्पेसिफिक कुछ गुण होने चाहिए जिसके पास लेने चाहिए, तो वो आप बताइए। बिल्कुल हाँ, प्रायश्चित लेने के लिए जो प्रायश्चित देता है वो एक तो सबसे पहले ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है, ज्ञानी होने के बाद दूसरा वो एक स्थविर मुनि, जिसे हम कहते हैं कि मिनिमम 20 इयर्स ऐसे स्थविर के दो तीन चीजें आती है, या तो ज्ञान में ज्यादा अच्छा है या तो उम्र में अच्छा है, उम्र में बड़ा हो गया है, तो वो अगर टाइप का साधु है क्योंकि उसको इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके पास आपको प्रायश्चित लेना चाहिए। तो ये ऐसी चीजें आती है, अगेन वो आपको उस पर फुल ट्रस्ट होना चाहिए, जिसके पास द मेन थिंग ओवर हियर इज कि आप उनके सामने ओपन अप हो सकते हो प्रायश्चित लेने के लिए, तो वो आपको लगना चाहिए कि वो इतना केपेबल है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको प्रायश्चित उपयोग दे सकता है। तो मेन ज्ञानी है और मेन बहुत टाइम दीक्षा पर्याय है, ये मेन क्राइटेरिया में प्रायश्चित देने वाले के चाहिए। वो अपनी बात को गोपनीय रख सकता है, मतलब सीक्रेट रख सकता है, तो वो भी हम एनालाइज कर लें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं हो कि वो और जनों से उनको शेयर कर रहा हो। तो ये कुछ हमने क्वालिटीज पहले भी की थी कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं तो किसके सामने करें, इसके प्रॉपर 10-15 पॉइंट्स हैं, तो आपके साथ शेयर कर देंगे वो, तो आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं कि किन के साथ हम शेयर करें, किन के साथ हम नहीं करें। एंड लाइक प्रायश्चित करने के लिए भी मतलब पूरा ओपन माइंड होना चाहिए, क्योंकि मन क्या है, माया भी कर सकते हैं। हाँ। तो इसलिए सबसे पहले प्रायश्चित जिनको आपको करना है, आप पहले उनका निर्णय लें, एक गुरु को ढूंढें कि जिनको आप प्रायश्चित करना चाहते हो और उनको ऐसा समझते हो कि हाँ ही इज केपेबल, ही इज नॉलेजेबल एंड ही कैन कीप योर वर्ड्स इन अ वेरी गोपनीय फॉर्म। फिर उसके बाद जब आपने गुरु डिसाइड, उसके बाद आप अपनी पूरी जिंदगी उनके सामने खोल दीजिए, पूरा ओपन अप हो जाइए, आप पूरा अपनी पट्टी उनके सामने दीजिए कि मैंने ये पाप, तब जाके आपको राइट प्रायश्चित प्राप्त होगा। ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अंकिता जी गुप्ता के पास। हाँ अंकिता जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा डाउट ये है कि हम मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ या कोई भी प्रेयर करती हूँ तो मुझे यॉर्निंग होने लगता है, तो इट ब्रिंग्स नेगेटिविटी, तो मुझे क्या करना चाहिए? इट्स लाइक माय सोल इज नॉट प्योर एंड गॉड इज नॉट हैप्पी विद दैट प्रेयर, व्हाट इज दैट? अच्छा सो कब कौन सा प्रेयर करते हैं जब ऐसा होता है?
नॉर्मली जब भी जैसे भगवान के सामने खड़े होके हम कोई भी पूजा करते हैं या ध्यान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको उबासी आ रही है, you're yawning, so that is completely okay. कोई भी भगवान आपसे अप्रसन्न नहीं होंगे, he'll not be unhappy. अगर वो अनहैप्पी होंगे तो भगवान ही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि भगवान तो वही होते हैं जो हैप्पी भी नहीं होते, सैड भी नहीं होते, वो तो हर परिस्थिति में सेम रहते हैं. ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि आपके यॉनिंग करने से वो सैड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. आपके पाप करने से वो सैड हो सकते हैं कभी भी, पाप वैसे तो वो सैड नहीं होंगे, वो सैड होते ही नहीं है. बट द पॉइंट ओवर हियर इज, अगर इफ यू आर यॉनिंग ऑल्सो, जैसे आज मैंने आपको ध्यान में बताया भी था कि बहुत जनों का होता है यॉन होने लग जाते हैं, किसी का शरीर टूटने लग जाता है, किसी का होता है कि मन में विचारों की एकदम बम्बार्ड हो जाती है, पूरे विचार ही विचार आने लग जाते हैं. तो ऐसी अलग अलग स्थिति अलग अलग साधक की हो सकती है, तो उसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है. इनफैक्ट आपकी जो नेगेटिविटी अंदर है, आपकी जो नेगेटिविटी जो कचरा अंदर है, वो जब आप ध्यान करते हो, यू आर इन अ वेरी प्योर स्टेट. ठीक है, जब आप भजन कर रहे हो भगवान का, भक्ति कर रहे हो, मूर्ति के सामने हो, तो वो बड़ी क्या है, बड़ी प्योर अवस्था है. आप देखते हैं जितनी प्योरिटी होती है उतनी इम्प्योरिटी बाहर निकलने लगती है, वो बाहर आने लगती है धीरे धीरे. तो यॉनिंग के माध्यम से आपकी जो अंदर की बैठी हुई इम्प्योरिटी है, शायद वो बाहर आ रही हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं, वो आने दीजिए. जितनी उबासी आ रही है ना, आने दीजिए, पर आपका भजन बंद मत करो, आप चालू रखें वो भजन और मेडिटेशन को कंटिन्यू रखें. इसमें मैं एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, तो यॉनिंग का जैसे है, यॉनिंग का परफेक्ट आंसर ये है कि अगर आपको यॉनिंग आ रही है ना, तो वो नेगेटिविटी नहीं है. इस चीज को क्लियर समझे, मैंने इसमें रिसर्च किया है, क्योंकि पर्टिकुलरली मेरे साथ बहुत होता है जो आप सेम चीज बोल रहे हो ना. जितनी आप प्रार्थना करोगे और आप देखोगे, अगर आप सामूहिक रूप में प्रार्थना कर रहे हो ना, चार पांच लोग साथ में बैठे, तो और ज्यादा यॉनिंग आएगी. और ध्यान के वक्त भी आती है, पर्टिकुलरली मॉर्निंग टाइम में करते हैं, तो इट इज एन इंडिकेशन कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आप उसे नेगेटिव मत समझिए. यौन कब आता है, जब आप एक्चुअल में ध्यान में सही तरीके से उतर जाते हो, तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर आती है यौन के फॉर्मेट में. तो ये नेगेटिव नहीं है, ये उल्टा पॉजिटिव इंडिकेटर है. अगर आपको यौन आ रहा है, तो पहली बात ये समझिए कि आपके अंदर का जो भी, चाहे आप कर्म बोल लो, नेगेटिविटी बोल लो, जो भी है, वो आउटकम बाहर निकल के आ रहा है. और दूसरा ये है, एक और इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर आपके ऊपर जो हम बोलते हैं कि ईवल एनर्जीज हो गई, या नजर लगना हो गया, या दृष्टि हो गई, तो ये जो दृष्टि होती है, नजर होती है, या आजू बाजू जो आपकी नेगेटिविटी आपने इकट्ठा कर रखी है, वो थ्रू मेडिटेशन जब आप यॉन करते हो तो वो बाहर निकलती है. तो इट इज अगेन अ गुड इंडिकेटर. अगर आपको हो रहा है तो आप भजन, उल्टा मैं बोलूंगा स्पेसिफिकली, जिस भजन में आ रही है, जिस मंत्र में आ रही है, उसको याद रखिए, और उसको जो रोज जितना बोल सकते हो उतना ज्यादा बोलिए. जितना ज्यादा यौन निकल रहा है, मतलब उतनी आपकी नेगेटिविटी भी निकल रही है, आपकी जो नजर आपके ऊपर लगी हुई है, या इंटरनली आपने थॉट्स की वजह से जो नेगेटिविटी इकट्ठा कर रखी है, वो बाहर जा रही है. इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर. थैंक यू. थैंक यू. फिर हम चलते हैं वीवो 1804. ठीक है, इसके अलावा हाँ, वीवो जी, वीवो 1804 हमने आपको अनम्यूट कर दिया. जय जिनेंद्र. मेरा एक्चुअली ये डाउट है, या पता नहीं, मेरा मे बी दिस इज माय रूटीन जैसा ये हो जाता है. व्हेन आई हियर समथिंग, और या फिर मेरे मतलब इन एंड अराउंड, या मेरे किसी रिलेटिव्स में ऐसे कुछ, या मेरे सर्कल में कुछ सुनती हूँ कुछ बीमारी के बारे में या कुछ, तो फर्स्ट आई गेट ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ. एंड बोलते ना, छाती भर जाता है किसी से एक दो वर्ड बात करती हूँ, वो छाती भर जाता है. एंड इतने नेगेटिव थॉट्स आते, यू कैन से लाइक ओवर थिंकिंग. अभी एग्जाम्पल, अभी बुखार आ गया, तो वो हाँ आज बुखार आया कल ठीक हो जाएगा, वो इतने में नहीं होके वो सेकेंड लेवल थर्ड लेवल में भी वो यू कैन अंडरस्टैंड, वो आगे चला जाता है. वो मतलब उनको ये हो सकता है, उनको ये हो जाएगा लाइक एंड तक वो कहीं चला जाता है. तो ओवर थिंकिंग हो सकता होता है, एंड वो एंजाइटी टाइप में भी होता है, और
लगता है कि माय लाइक हेड भारी, इतना भारी हो जाता है, होगा नहीं होगा दैट इज सेकेंडरी, कल्पना में ये सब मैं लेके आ जाती हूँ. सो आई जस्ट वांट टू इसमें से ओवर कर, मुझे बाहर निकलना है तो क्या करना? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, आपका क्या शुभ नाम है? संगीता. संगीता जी, तो संगीता जी सबसे पहले अपने को ये काम करना है कि आप खुद को खाली ना छोड़े, ठीक है ना, मतलब आप खुद को पूरे दिन भर ऑक्यूपाइड रखें. देखिए व्यर्थ चिंतन ओवर थिंकिंग जो है वो कब आती है, वो सबसे पहले जब आएगी जब आप बहुत फ्री होंगे, आपका दिमाग बड़ा फ्री होगा, है ना, तभी ये सोच मेरी बढ़ती है, जब भी मेरा मन अशांत होने लग जाता है. तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो आप करना है, पूरा आप खुद का एक शेड्यूल बनाए पूरे दिन भर का, और उसमें आप एक भी सेकेंड ऐसा नहीं हो कि आप वेस्ट कर रहे हो. आप कोई किताब पढ़ें, आप कोई आपका दिनचर्या का जो काम है वो करें, एवरीथिंग, आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाना चाहिए. उससे आपको 50% तो इम्प्रूवमेंट दिख जाए. आप देखेंगे अभी आपको जब भी व्यर्थ दिनचर्या कुछ भी नहीं करते होंगे आप, मतलब वेस्ट बैठे हुए होंगे या कुछ भी काम ऐसे सोचने में बिता रहे होंगे, तब जाके ये ज्यादा आता है. सबसे पहले बी ऑक्यूपाइड. दूसरा, फिर भी आ रहा हूँ, आपको लगता है कि नहीं भैया फिर भी आता है मेरे, तो आप देखिए अगर कोई मंत्र बोलते हो, आप कोई मंत्र आप बोलते हैं अभी, कोई माला फेरते हो? ऐसे नौकार मंत्र, लोगस जो भी है, और आत्मरक्षा जो भी है, मेरा चलता रहता है. ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, जो आज हमने, आज आप पूरे सेशन में थे ना अभी? नहीं. अच्छा आप नहीं थे, तो हमने लास्ट में जाप किया था ओम शांति प्रभु का, तब थे आप ध्यान के वक्त? ओके. हाँ, तो अगर आप नहीं थे तो अभी ग्रुप पे हम डाल देंगे. श्योर. शांति प्रभु जय शांति प्रभु, शांति करण जय शांति प्रभु, ठीक है? ओके. ऐसा हमने पूरा एक जाप किया था. ओके. तो वो जाप आप रोज बोले, उसकी एक माला रोज फेरे. श्योर पक्का. हाँ, एक माला उसकी रोज फेरेंगे तो उससे भी आपको बहुत प्रभाव मिलेगा. और फिर जब भी आपको जैसे ये विचार आ गए, समझो आज आप कोई बीमार व्यक्ति से मिले या फिर कोई ऐसे व्यक्ति से मिले जिससे आपको लग रहा है कि अब मेरे वापस ये थॉट्स ओवर थिंकिंग मेरी शुरू हो गई, तब आप इस मंत्र को जोर जोर से बोलना शुरू कर. मैं वापस आपके लिए बोल देता हूँ, ओम शांति प्रभु जय शांति प्रभु, शांतिकरण जय शांति प्रभु. ओके. ठीक है, ऐसे गा के भी आप कर सकते हैं अगर आप ध्यान के वक्त भी नहीं थे या लेट आए. हाँ. अच्छा, नहीं, नहीं, अभी. हाँ. ठीक, तो आप ऐसे गा सकते हैं, उसको देखिए ट्यून ऐसी है, मैं आपको वापस गा के भी बता देता हूँ. ओम शांति प्रभु जय शांति प्रभु, शांतिकरण जय शांति प्रभु, ओम शांति प्रभु जय शांति प्रभु, शांति प्रभु जय शांति प्रभु. ओके. तो ये आप जरूर बोलना चालू करें. एक माला रोज इसकी फेरे बेनागा, एक टाइम निश्चित कर लें, सुबह उठते ही कर लें, ऐसी एक माला आप उसकी पूरी 108 बार आप जरूर फेरें. आप देखेंगे उससे बहुत फर्क आएगा. फिर जब भी ऐसा कोई विचार भी आ जाए तब भी इसको जोर जोर आप जोर जोर से आप बोलना शुरू. श्योर पक्का. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ठीक है, और ये एक और चीज नमन बोल रहा है, एक क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग. अच्छा ठीक है, ठीक है साहब, ये आप जरूर करिए, इसकी हम व्हाट्सएप पे भी और डाल देंगे इसकी वर्डिंग्स, ताकि आपको मिल जाए. हर्ष का क्वेश्चन है, बड़ी दीक्षा पर्याय वाली साध्वी कम दीक्षा वाली साध्वी को वंदन क्यों करती है? तो हर्ष अगर आप तो उनको म्यूट कर दीजिए. तो ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर कोई बड़ी दीक्षा है पर्याय की साध्वी है, वो भी छोटे से छोटे संत को भी वंदना करती है, वापस वही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या फीमेल हमारी इन्फीरियर है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगेन द पॉइंट ओवर हियर इज अगेन शील्ड की सुरक्षा. अगर आप देखेंगे कोई छोटी साध्वी है तो अगर समझो अगर वो बड़ी होती है, जैसे संत अगर छोटे होते हैं तो हमेशा आप देखते हैं कि छोटे बड़े के पास जाते हैं. हमारे जैन साधु में आपने देखा होगा कि छोटे हमेशा बड़ों के पास दर्शन करने जाते हैं. तो अगेन समझो साध्वी और साधुजन अलग अलग जगह हैं और अलग अलग जगह रुके हैं, तब अगर समझो दर्शन करने की बात आती है तो साध्वी बीइंग स्मॉलर दे विल गो टू संत. तो अगेन यहाँ पे भी यही रखा है प्रोविजन के, क्योंकि अगर संत अचानक से कभी भी साध्वी के पास नहीं आ जाए
इसको ध्यान में रखते हुए ये सिस्टम बना दिया कि साध्वी को छोटा मानेंगे और साधु को बड़ा मानेंगे, ताकि दर्शन करने हमेशा साध्वी जाए संतों के पास, साधुओं के पास, ताकि उनकी शील की सुरक्षा रहे। आई होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। हाँ, इसके अलावा कोई शांति करण का मीनिंग शांति प्रदान करने वाले शांति करण जय शांति प्रभु। हाँ, शांति करने वाले के कारण, जो शांति के कारण है, जिनकी वजह से शांति हो रही है, वो हो गया शांति करण। ठीक है, जानवी क्या पूछ रहे हैं? अस्वाध्याय काल कौन सा होता है, क्या होता है? हाँ, अस्वाध्याय काल, एक तो जो स्त्रियों का अस्वाध्याय काल होता है, एक तो वो, और दूसरा शास्त्र में जो टाइमिंग दी जाती है, तो हर शास्त्र को, हेलो, तो कितनी देर में रहता है, यार डोर यार, तो हर शास्त्र को पढ़ने का एक मर्यादा होती है, एक काल होती है, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो जिस भी शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तराध्ययन, तो उत्तराध्ययन पढ़ने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके अलावा आप पढ़ते हैं तो उसे अस्वाध्याय काल, वो शास्त्रों के लिए आता है। एंड मेनली जो संध्या काल होती है, तो उसे भी हम अस्वाध्याय काल बोलते हैं, जैसे शाम का वक्त और सूर्योदय सूर्यास्त का वक्त, उसे भी हम अस्वाध्याय काल बोलते हैं। मतलब इसके अंदर हम जो भी हमारे शास्त्र की गाथाएं है ना, वो नहीं पढ़ सकते। हम स्तुति कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, लोगों से इन सब का जाप कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं, बट जो शास्त्र की जो लैंग्वेज है, शास्त्र की गाथाएं हैं, वो हम नहीं पढ़ सकते। तो ये हो गया अस्वाध्याय काल में ये होता है। जैसे भक्तांबर भी नहीं पढ़ सकते, और मतलब जो वो होता है, कुछ ही सुनम भी नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ, वो अगर आप अस्वाध्याय में हैं, तो आप नहीं पढ़े, वो चीज अवॉइड करें। मतलब डेली होता है अस्वाध्याय काल, क्या चीज डेली होता है अस्वाध्याय काल शाम के वक्त? कुछ ही सुना आप बोलते हो क्या? नहीं, बोलती तो नहीं हूँ, पर हाँ मैंने सुना है कि होता है। हाँ, कुछ ही सुनम की भी टाइमिंग है, जैसे फर्स्ट और अंतिम प्रहर, ठीक है ना, पहले और अंतिम प्रहर में ही उसको बोला जाता है, उसके अलावा नहीं। हाँ, और भक्ता ओके, तो कभी भी बोल सकते हैं, कोई टाइम नहीं है उसका। प्रेफरेबल है मॉर्निंग टाइम, कि मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो ज्यादा पॉजिटिव होता है, बट इसका हाँ, कोई फिक्स टाइम नहीं, क्योंकि भगवान की स्तुति है, हम भगवान की गुणगान कर रहे हैं, क्वालिटीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका कोई टाइम होता है नहीं है। तो बस हम जो गर्ल्स का जो अस्वाध्याय पीरियड होता है, उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज थोड़ी सी शुद्धि मेंटेन होनी चाहिए इसके अंदर। हाँ, ये बताया था कि 2 बजे से पहले पहले तक ही कर सकता है भक्तांबर, और उसके बाद नहीं कर सकता है। मॉर्निंग टाइम प्रेफरेबल है एकदम। हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू। ठीक है, आई होप इसके अलावा कोई डाउट्स नहीं है। और सो ठीक, हाँ, नॉनवेज भी अगर बाजू में पकता है आपके कहीं ना कहीं, तो अगर आपको स्मेल आ रही है, राहुल जी, अगर आपको कहीं स्मेल आती है, तो वो टाइम आप बिल्कुल नहीं पढ़े, क्योंकि शहरों में तो आजकल प्रोविजन ही है कि हमारे आजू बाजू बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फैमिलीज होगी, तो हम ऐसी तो वैसे तो होना नहीं, अशुचि के स्थान में हमें नहीं करना चाहिए, जहाँ ऐसी चीजें हो रही है वहां हमें स्वाध्याय नहीं पढ़ना चाहिए। बट कंसिडरिंग दी सिटी लाइफ, आचार्यों ने ये निश्चित किया कि भाई अगर तुम्हें बास नहीं आ रही है, क्योंकि हम भी जैसे मुंबई में रहते थे, तो हमारे ऊपर नीचे नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग थे, तो ऐसे तो हम साल भर ही स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, तो वैसा नहीं होता। बस उसकी अगर जब स्मेल आ रही है वो फूड की, तब आप वो टाइम स्वाध्याय नहीं करें, बाकी टाइम आप स्वाध्याय कर सकते हैं। ठीक है, एनी अदर डाउट राहुल जी? ठीक है, सो हाँ, जानवी को एक और डाउट है। हाँ जानवी। हाँ भैया, मेरे को ये पूछना है कि असाध्याय काल में मतलब क्यों नहीं करते, ऐसा क्या होता है उस वक्त, ऐसे क्यों, मतलब
तो इसमें ये है कि एक तो अशुचि, सो गंदगी जहाँ होती है वहां प्योर चीज नहीं बोलते, ठीक है, एक तो ये कारण होता है। दूसरा देवी देवताओं का जैसे जो शास्त्रीय चीज है ना, वो अर्धमार्ग की लैंग्वेज होती है, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज होती है जो हमारे शास्त्रों की है वो है अर्धमार्ग की। अब जो देवता होते हैं वो भी अपने में जो कम्युनिकेशन करते हैं देवता, वो खुद भी यही लैंग्वेज में करते हैं। सो इफ ये जो हम समय अस्वाध्याय का कहते हैं, जैसे संध्या काल हो गया है ना, वो समय हमारा जो अस्वाध्याय का होता है, तब देवताओं का विचरण होता है, तब देवता यहाँ वहां जाते हैं। एंड कभी अगर आपके बोलने में कुछ अशुद्धि है, कुछ आप गलत बोल रहे हो, तो वो देवता आपको परेशान कर सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से फॉर द सेफ्टी हम वो टाइम वो शास्त्र को नहीं पढ़ते, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हो गया। बायचांस हमसे कुछ गलत निकल गया या हम शुद्ध स्टेट में नहीं है तो हमसे गुस्सा हो सकता है, हमारे अगेंस्ट खुद भी कर सकते हैं। ऐसा होता बहुत रेयर है, बट उसके लिए भी चांस क्यों लेना है, इसके लिए पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर बताया हुआ। ओके, थैंक यू। वी कैन लर्न गाथा इवन इफ वी डोंट नो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज। हाँ राहुल जी, आप पढ़ आप लर्न कर सकते हो, पर गुरु आज्ञा से, ठीक है, कोई भी शास्त्र आप शुरू करें याद करना तो कोई भी गुरु से पहले उसका पाठ लें और उनसे पूछे, उनकी आज्ञा लें और फिर आप वो चीज याद करना शुरू कर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते। एक क्वेश्चन है, मंदिर के अंदर मल्लिनाथ भगवान का मूर्ति मेल फॉर्म में क्यों है? अब ये तो मेल फॉर्म में क्यों है, ये दिगंबरों के मंदिर में आप देख सकते हैं ज्यादातर मेल फॉर्म में होगी। मुझे मंदिर का इतना आइडिया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं इसको आंसर करने में इतना सक्षम नहीं हूँ कि क्यों वहाँ पे मेल फॉर्म में है। तो नमन, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, दिगंबरों में तो दे बिलीव कि इट इज मेल ओनली, दिगंबरों में मल्लिनाथ भगवान को मेल ही समझते हैं, तो मे बी इन दिगंबर मंदिर तो यू कैन इजिली फाइंड कि वो मेल ही होंगे। एंड मूर्ति पूजा में वो क्यों मेल है, उनके मैंने कभी मैंने इतना स्टडी किया नहीं मंदिर वालों का, तो अगर नमन कुछ आइडिया है तो आप बताइए। इसमें जनरली आइडिया तो नहीं है, पर जैसे निपुण ने बोला कि इसमें भी हमारे सब अलग अलग सेक्स में अलग अलग मान्यता है, जैसे बोला कि दिगंबरों में माना जाता है कि दे ओनली वेंट इन मेल फॉर्मेट और फीमेल कभी तीर्थंकर में नहीं जा सकती है। और सेकेंडली एक और क्वेश्चन ये भी आया था चैट बॉक्स में कि जो तीर्थंकर की माँ है उनको तो 16 सपने आते हैं, 14 नहीं आते हैं, तो ये भी अलग अलग मान्यता है। हमारे यहाँ पे बोला जाता है 14 सपने हैं, किसी में बोला जाता है 16 सपने हैं। देखो ये चीजें ऐसे होती है ना, हम लोग जनरली जब ये क्वेश्चन आता है तब हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी आस्क एनी क्वेश्चन वी शुड ऑलवेज सी कि ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को स्पिरिचुअली कहीं बेनिफिट कर रहा है क्या। How does it matter कि अगर वो मेल फॉर्मेट में है फीमेल फॉर्मेट में है, 14 सपने आ रहे हैं 16 सपने आ रहे हैं, जब हम इन चीजों में उलझ जाते हैं ना तो क्या होता है, अपना जो एक्चुअल नेचुरल पाथ है वो चले जाता है एंड वी स्टार्ट गेटिंग इनटू डिबेट्स। तो वी शुड ऑलवेज लर्न, यहाँ पे हम जिन चीजों के लिए आ रहे हैं और जिन कार्यों के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो ये है कि हम लोग प्योर ज्ञान ले और कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जिससे हमारे आत्मा के प्रोग्रेस के लिए लर्निंग हो जाए, तो जहां तक वो वैसे क्वेश्चन सीख करे, वरना क्या होगा बहुत डिबेटेबल हो जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, हम लोग भी अचरज वाली सिचुएशन में आ जाते हैं किसको आंसर दे। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग मान्यताएं मिलेगी, सब गुरुओं के पास जाएंगी वो भी अलग अलग बोलेगा, पर हमें तो रूट पकड़ना है, कॉमन चीज पकड़नी है। जैसे निपुण ने बोला वी हैव स्टार्टेड, हम लोग शुरू से बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग यहाँ पे जानबूझ के जैनिज्म प्रीच करने आ रहे हैं या यूटर्न इज ऑल अबाउट जैनिज्म ओनली। We have made it clear और वापिस से क्लियर करना चाहते हैं, वी आर हियर टू स्प्रेड धम्म और हम जैनिज्म का सहारा लेते हैं बिकॉज वी हैव बीन एक्सपोज टू द जैन लिटरेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, और जब हमने अलग अलग लिटरेचर अलग अलग धर्म के बारे में पढ़ा वी फाउंड आउट कि जैनिज्म में बहुत डेप्थ है, वो एकदम माइन्यूटेस्ट लेवल पे गया है, तो हम लोग उसके रेफरेंसेस ज्यादा साइट करते हैं। वरना आप देखोगे हम लोग यहाँ पे वैदिक परंपरा भी बोलते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम के एग्जाम्पल आ जाते हैं वो भी बोल देते हैं, तो वी शुड अडॉप्ट द कोर धर्म and try and steer clear of all these controversial things. बिल्कुल। So आप खुद ही उसका आंसर निकाल ले कि क्या है और फिर हमें भी बता देना कि वो मंदिर वाले भी ऐसा क्यों मेल फॉर्म में होता है।
पढ़ी है कि भगवान का अतिशय होता है, एक अगर शॉर्ट में आंसर भी देना चाहे तो तीर्थंकरों का अपना अतिशय होता है, तो उनके शरीर से किसी को राग भी नहीं होता, आसक्ति भी नहीं होती, तो दीक्षा लेने आई गेस वहाँ पे लाइट चले गई है जयपुर में, तो कनेक्शन शायद ब्रेक ऑफ हो गया है। तो इनकेस अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, वरना वी विल एंड फॉर टुडे। अगर कोई मुझे को सुन सकता है तो चैट बॉक्स में यस या नो भेजिए। आई गेस वो कनेक्शन प्रॉब्लम हुई है वो साइड से, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल लीजिए और वी विल एंड फॉर द डे। आई विल वेट फॉर 1-2 मिनट्स। आपका कनेक्शन चले गया था निपुण, अभी अभी आपकी आवाज आ रही है। एक और डाउट आया है चैट बॉक्स में कि पूछी सुनन सनराइज के टाइम कर सकते हैं क्या? सनराइज के बाद आधा घंटा छोड़ के, सनराइज के बाद आप आधा घंटा छोड़ के पहले प्रेयर तक मतलब पोर्सी तक आप बोल सकते, संध्या का वो जो सनराइज के बाद का जो आधा घंटा है उसको छोड़ के फिर आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूछिए सर। ठीक है, तो मैं बस वही बोल रहा था कि मान लीजिए आप भगवान का अतिशय होता है, तीर्थंकरों का अतिशय होता है अपना, एंड 24 तीर्थंकरों का ऐसा शरीर होता है जिससे किसी को राग नहीं होता, आसक्ति नहीं होती दीक्षा लेने के बाद। तो अब वो उनने क्या फॉर्म रखा है मूर्तियों में वो चेक कर लीजिए आप लोग भी कि मंदिर मालिक में क्या है क्या नहीं है, इसलिए मूर्तियों में ना उलझे। भगवान की मूर्ति क्या है और क्या नहीं है, भगवान की गुरु की जो गुरु ने जो कह दिया वही मूर्ति, गुरु का ध्यान ही क्या है वही मूर्ति है, तो बस गुरु का ध्यान करें वो अपने आप मूर्ति मिल जाएगी। तो अब कैसी मूर्ति है क्या है वो आप लोग फाइंड करके हमें भी बता दें, तो नेक्स्ट टाइम हमें हेल्प करेगा किसी और का आंसर करने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एरिया हर जगह का सनराइज अलग अलग होता है, ठीक है ना? तो आप जिस शहर में है, जिस शहर में आपका जो सनराइज होता है उसके आधा घंटा छोड़ दीजिए, और तब से लेके आप पोर्सी तक, जो हमारा पोर्सी का टाइम आता है वो आपको बहुत सारी एप्स में मिल जाएगा, वो पोर्सी पद्मोदया ऐप है और रत्न संघ का ऐप है, आप ये दो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। रत्न संघ का भी एक ऐप है, उसमें भी ये सब डिटेल्स बहुत इजीली मिल जाएगी पचकान के पाठ के साथ भी, तो वहाँ आप इजीली उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्या सनराइज आ रहा है क्या, उसमें बहुत अच्छे सिस्टम्स दिए हुए, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं। सो आई हैव इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।